कल आपने बदसलूकी करने वाले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की घंटी बजाई, आज आपको टेनी को बचाने वालों की घंटी बजानी है, क्योंकि एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद यह साफ हो गया है कि लखीमपुर में जो हुआ वो साजिश के तहत हुआ। किसानों का आरोप है कि साजिश में गृह राज्य मंत्री टेनी भी शामिल हैं। तहरीर में उनका नाम लिखा है। एक तो आरोप, दूसरे बद दिमाग बदमिजाज, तो फिर ऐसे में उनका कुर्सी पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता और विपक्ष मांग कर रहा है कि उन्हें सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए। तो सबसे अहम सवाल है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो टेनी अब तक मंत्री बने हुए हैं? आप हमारी रिपोर्ट देखिए और 8422 8400 पर घंटी जरूर बजाइए। लखीमपुर खेरी में मान्य आप प्रश्न हत्या हुई है, आप प्रश्न को पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न, अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए तो जो उससे जो ये कैसे हो सकता है, वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नौ, ये क्रिमिनल है। ये तकिया लाना, नारेबाजी करना अच्छी संसद की परंपरा नहीं है। सदन की कार्रवाई आज दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। टेनी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, हथियारों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बगैर सुने अगर अजर्न करते हैं तो सरकार ये सदन चलाना नहीं चाहती। गिरफ्तार करो, टेनी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। इस्तीफा होना चाहिए और पद पर रहने का अधिकार नहीं। ऐसी मांग इसलिए क्योंकि मंत्री का रसूख, रसूख का ओहदा। जुबान गंदी और बदतमीजी का गंदा सौदा। लखीमपुर खेरी में मान्य आप प्रश्न हत्या हुई है, आप प्रश्न पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। पर जिसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा है, वो आज की तारीख में पहचान का मोहताज है। क्योंकि जब कोई अहंकार की ऊंची अट्टालिका पर बैठ जाता है और गुरूर का गुबार माथे से टकराता है, तो विधायक, सांसद, मंत्री होते हुए वो नेता अजय मिश्रा टेनी बन जाता है। और लखीमपुर में टेनी महाराज नाम से प्रसिद्ध महोदय के अहंकार से कल पूरा देश परिचित हो चुका है। क्या जानना चाहते हैं? ना इनको पत्रकारों से बात करने का सलीका है। ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। ना ही पद की मर्यादा रखने की तमीज, और एसआईटी की जांच रिपोर्ट और कल के कारनामे के बाद ऐसे बदमिजाज मंत्री की बर्खास्तगी की मांग ना, भला ऐसे कैसे हो सकता है? सो संसद में संग्राम हो गया। वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न, अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए तो जो उससे जो नहीं बर्खास्त किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की इसी मांग को लेकर यहाँ पर आज विधानसभा तक मार्च निकालने का काम किया। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जब तक अजय मिश्रा टेनी बर्खास्त की नहीं होगी तब तक हम लोग मानने वाले नहीं है। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मुझे लगता है वो अपना स्पष्टीकरण देंगे। हत्यारों को, हत्यारों के सरदार, इनको एक पल भी वहाँ बने रहने का अधिकार नहीं है मंत्री पद पर। लखीमपुर खेरी में मान्य आप प्रश्न, आज संसद खुलते ही
पारे का सूचकांक 100 डिग्री के पार हो चला, क्योंकि मुद्दा यहां टेनी महाराज की बर्खास्तगी का उठा। कल संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा, हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं। पर आज फिर भीतर कांग्रेस के राहुल गांधी ने यही मुद्दा उठा दिया। जो यहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न बोलने को दीजिए। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। ये क्रिमिनल है। पर इसके बाद मानो सरकार बिफर पड़ी, विपक्ष ने हंगामा काट दिया और सदन ठप हो गया, मतलब बात टस से मस ना हुई। आज दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे। SIT की रिपोर्ट के बाद भी अजय मिश्रा टेनी अब तक गृह राज्य मंत्री कैसे बने हुए हैं? कौन है जो अजय मिश्रा टेनी को बचाने में लगा हुआ है? तो जवाब है, एक दो नेता नहीं बल्कि पूरी पार्टी ही टेनी महाराज के बचाव में लगी हुई है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार की कोई ना तो आवश्यकता थी, किस कारण से मतलब उन्होंने ऐसी कोई बात की है, मेरे भी समझ से परे है, लेकिन कई बार सवाल करना चाहिए। लेकिन सारे सवाल कैसे, किससे, किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति में कोई व्यक्ति है, उसको ध्यान में रख करके भी करना चाहिए। पत्रकार सब एक अलग स्तंभ है, हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो उनका पूरा सम्मान है, आदर है। सब कह दिया और धीरे से डिप्टी CM साहब ने ये भी कह दिया कि किसी तनाव में बोल दिया होगा। तो डिप्टी CM साहब, तनाव किसको नहीं, तनाव में तो दुनिया है, उसी में जी रही है, उसी में मर रही है। तो ऐसे में क्या हर आदमी टेनी महाराज की तरह गाली देते हैं? किसानों के हत्यारों को लेकिन संवैधानिक पद पर रहकर टेनी महाराज तो गाली देंगे, क्योंकि बचाने वालों की फौज जो खड़ी है। अब किसका क्या नेचर है, इसमें क्या कहा जाए, ये तो अपना व्यक्तिगत नेचर रहता है। किसका नेचर कैसा है, इसमें क्या कहा जाए, कुछ मत कहिए। सबसे पहले अपने नेता और मंत्री को तमीज सिखा दीजिए पत्रकारों से बात करने की, किसानों से बात करने की। लेकिन नहीं, सब तो बचाव में लगे। संगीत सोम को सुनिए। अखिलेश जी केवल रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरीके से सीट पाएं, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं, अभी जिन्ना का वास उनके अंदर हुआ है, वो जिन्ना को सारी समाजवादी के अंदर भी अगर बैठा देंगे तो वो समाजवादी ला नहीं पाएंगे। विधायक जी से जिन्ना, औरंगजेब, मुगल, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, चाहे जिस पर बुलवा लीजिए, एकदम एक्सपर्ट है। कुछ और भी पूछेंगे तो घूम फिर कर इन्हीं सब पर आएंगे, मानो सारी एक्सपर्टीज इन्हीं सब में हो गई है। पूछा जा रहा है आम और बता रहे इमली, जिन्ना, फलाना, धमाका, इससे अच्छा बचाव भला और कोई कैसे कर सकता है। यही सब बातें टेनी जैसे नेताओं को हौसला देती है। लेकिन अब विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है, आर या पार की स्थिति बना दी गई। क्या संसद, क्या UP विधानसभा, क्या सब, हर जगह टेनी की बर्खास्तगी की मांग बुलंद कर दी गई है, मगर टेनी की ठसक अब भी बनी हुई है। और तो और, ABP न्यूज को सूत्रों ने जानकारी दी है कि अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई SIT की निगरानी में ये पूरी जांच हो रही है। अजय मिश्रा टेनी इसको प्रभावित नहीं कर सकते, साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश राज्य की गृह मंत्री नहीं है, ऐसे में जांच को प्रभावित करने की गुंजाइश भी नहीं बनती है। तीसरा, आरोप अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर है, ऐसे में पिता को सजा कैसे दी जा सकती। बेटे की सजा बाप को नहीं, और यही बात BJP के सांसद भी दोहरा रहे हैं। एक तो आरोप उनके बेटे के खिलाफ है, तो बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो हो रही है, उनका तो कोई बेटे की सजा बाप को नहीं दी जा सकती। तो पहली बात तो ये नैरेटिव ही सरासर गलत है और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, क्योंकि किसानों ने जो तहरीर दी है उसमें साफ लिखा है कि गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे यानी दोनों ने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया। ये बात किसानों की तहरीर में साफ तौर पर लिखी है, लेकिन यूपी पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से FIR में सिर्फ बेटे आशीष मिश्रा का नाम लिखा, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं लिखा, या कह लीजिए लिखने की हिम्मत नहीं हुई, सबको अज्ञात में डाल दिया।
जबकि आमतौर पर होता यह है कि तहरीर में जो नाम लिखकर दिए जाते हैं FIR में भी वही नाम लिखे जाते हैं। ना यकीन हो तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ऋषि मल्होत्रा से सुन लीजिए। अगर उनका कंप्लेंट में FIR में अगर नाम दिया गया है तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है SHO जो होता है उनको वो नाम FIR के अंदर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा वो पुलिस का डोमेन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर नाम दिए गए हैं किसी एक संगीन जुर्म के अंदर तो नाम होने FIR में ज़रूरी हैं। यानी साफ है कि UP पुलिस ने जानबूझकर टेनी महाराज को बचाने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट के नियम के विरुद्ध तहरीर में नाम होने के बाद भी FIR में अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं लिखा गया, जबकि षड्यंत्र की धारा 120B FIR में पहले से ही दर्ज है और किसानों ने सीधे टेनी महाराज पर ही साजिश के आरोप लगाए। तो ऐसे में बेटे की सजा बाप को वाली बात तो ध्वस्त हो गई और भला टेनी महाराज की ये धमकी कौन भूल सकता है जो खुल्लम खुल्ला किसानों को दी गई थी। 11 महीने हो गए, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। और यहीं से सारे फसाद की जड़ शुरू हुई। इसके बाद ही किसानों को सुनियोजित तरीके से कुचला गया और इसीलिए विपक्ष भी अब पीछे हटने के मूड में कतई नहीं। प्रधानमंत्री जी कब कार्यवाही करेंगे अजय मिश्रा टीनी पर, जिन्हें आप अपने दाएं हाथ बिठाकर रखते हैं? अगर वो टीनी को अब भी बर्खास्त नहीं करेंगे तो ये साबित हो जाएगा कि किसानों का नरसहार किसी आम व्यक्ति ने नहीं किया, वो योगी जी और मोदी जी के इशारे पर हुआ था। मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि अब आपका बुलडोजर में तेल नहीं है, खत्म हो गया तेल, चलाओ बुलडोजर उनके घर। और हम माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, आप लोग देश चला रहे हो, मैसेज गलत जा रहा है कि आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हो। देश के किसानों को कुचलने वाला और कुचलने की प्रेरणा देने वाले एक मंत्री उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट में आज भी है और अपोजिशन 2 दिन से सवाल कर रही है कि आप उन्हें बर्खास्त करिए। अगर प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया, ये बात नहीं सुनी तो ये गंगा स्नान फेल हो गया। यानी विपक्ष ने भी घोड़े खोल दिए, बर्खास्तगी के नीचे कोई बात सुनने को तैयार नहीं। और एक बात और यहाँ गौर करने वाली है कि प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज ऐसे मामलों में थोड़ा अलग है। वो हल्ला शांत होने के बाद गाज गिराते हैं। मीटू मामले में MJ अकबर के साथ भी वही हुआ था और कोरोना की लापरवाही के मामले में स्वास्थ्य मंत्री रहे हर्षवर्धन के साथ भी वही हुआ, विकेट गिरा लेकिन थोड़े समय बाद। और BJP सांसद ने भी कह दिया है लीडरशिप सब नोटिस कर रही है। देखिए अब ये क्या किया है कि मुझे मालूम नहीं, इसकी जानकारी नहीं, लेकिन वो लीडरशिप हर चीज देखती है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं। लीडरशिप यानी आला नेतृत्व तो सब कुछ देख रहा है, ये अपने आप में ही संदेश है और संदेश सीधा टेनी महाराज को है। तो फिर ऐसे में आज जो गुरूर का गोता लगा रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ABP News आपको रखे आगे।